जी हाँ, इंस्टाग्राम का एक तगड़ा नया अपडेट आ गया है, जहाँ इंस्टाग्राम खुद आपको फीचर दे रहा है, खुद आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप अब इंस्टाग्राम से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, कोई भी थर्ड पार्टी नहीं। पहले क्या सीन होता था, आप रहते थे, कंपनी रहती थी और बीच में एजेंसीज होती थी, उस तरीके से आप पैसे कमाते थे, लोग कमीशन खाते थे। अब यहाँ पर डायरेक्ट आप पैसे कमा सकते हो क्रिएटर मार्केट प्लेस से। ये क्या है, इसका क्या एलिजिबिलिटी है, आप इसका कैसे फ़ायदा ले सकते हो, आप इससे कैसे पैसे कमा सकते हो, सारी चीज़ इन डेप्थ में मैं क्लियर कट बताऊँगा। ये वीडियो देखने के बाद इस टॉपिक पर आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, ये वाला फीचर पहले भी यूएस, जापान, यूरोपियन कंट्रीज में चल रहा था, इंडिया में नहीं था। अब यहाँ पे इंडिया में लॉन्च हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको एकदम सिंपल समझा देता हूँ। जब मार्केट प्लेस वाला फीचर आपके फोन में आ जाएगा ना, तो आप जब उसको क्लिक करोगे ना, तो दो ऑप्शन पूछेगा कि आप एक खुद कंपनी या ब्रांड हो या पर्सनल अकाउंट है आपका। अब यहाँ पे पर्सनल अकाउंट, वो वाला पर्सनल अकाउंट नहीं है, प्राइवेट वाला पर्सनल अकाउंट वो है कि आप अपने इंडिविजुअल कंटेंट यहाँ पे बना रहे हो और आपको यहाँ पे ब्रांड प्रमोशन चाहिए। और अगर आप ब्रांड पे क्लिक कर दोगे ना, तो मतलब आप ब्रांड प्रमोशन देने वाले हो, आप एक कंपनी हो। तो यहाँ पे आप अपने आप को सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया क्या होने वाला है कि आपकी एज जो है 18 प्लस होनी चाहिए, आपके पास कोई भी वैलिड प्रूफ होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी हो गया वो आपको अपलोड करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से वेरीफाई करा देना है। आप एक ही फॉलोवर रेंज आएगी, अभी आई नहीं है, बाद में आएगी, शायद 1000 या 2000 या 5000 फॉलोवर आपके पास होने चाहिए, जेन्युइन फॉलोवर, कोई भी थर्ड पार्टी ऐप से नहीं होने चाहिए। और अगर थर्ड पार्टी से आपने बढ़ा भी रखे हैं तो भी टेंशन नहीं है, यहाँ पे एक फीचर आ चुका है जिससे आप फिल्टर कर सकते हो, जिससे आप सेटिंग में जाके यहाँ पे आप स्पैम फॉलोवर को ऑन कर दीजिए, आपके जितने भी स्पैम फॉलोवर है सिंगल क्लिक में हट जाएंगे, आपका अकाउंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब जो दो डैशबोर्ड है ना, उसमें मैं आपको समझाता हूँ क्या होगा। जैसे मान लीजिए मैं कंपनी हूँ, तो अब क्या होगा, कंपनी का जो डैशबोर्ड रहेगा ना, उनके पास में ये फीचर रहेगा कि वो यहाँ पे 4-5 चीजों को देख सकते हैं। उनके डैशबोर्ड में वो एक नीच सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी है, तो मेरी कंपनी यहाँ पे टी शर्ट वगैरह बेचती है, तो मुझे वो बंदे चाहिए जो टी शर्ट वगैरह की रील वगैरह बनाते हैं। मैं यहाँ पे नीच सेलेक्ट कर दूंगा कि जो इंसान यहाँ पे फैशन ब्लॉगिंग वगैरह कर रहा है, मुझे वो इंसान चाहिए, तो वो पूरी वहाँ पे मेरे को लिस्ट मिल जाएगी उनकी। मुझे अगर लोकेशन वाइज देखना है तो भी मैं देख सकता हूँ, मेल फीमेल देखना है वो भी मैं देख सकता हूँ, साथ में लैंग्वेज भी मैं देख सकता हूँ कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कौन सी लैंग्वेज वाले क्रिएटर चाहिए। अब इससे देखिए आपका क्या फायदा होगा कि आप जब इसे क्रिएटर मार्केटप्लेस को खोलोगे ना, तो आपसे ये सारी चीज पूछेगा कि आपके कितने फॉलोवर है, आप क्या चीज में इंटरेस्ट रखते हो, आप किस टाइप की वीडियो बनाते हो, किस टाइप की रील बनाते हो, आपका फेवरेट क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी हॉबी क्या है। तो इसमें आप सारी चीज डाल दोगे। फॉर एग्जांपल आपने डाल दिया कि आप फैशन ब्लॉगिंग करते हो, आप फैशन वगैरह के क्लोथ वगैरह की वीडियोस बनाते हो, सब चीज डाल दी, और वही अगर सामने वाला इंसान, जो कंपनी मैंने बताई ब्रांड, वो अगर ये चीजें सेलेक्ट कर रहा है कि नीश हो गई, नीश में उसने वो डाल दिया फैशन वाला, उसके बाद उसने एज, मेल सब सेलेक्ट किया, तो आपका अकाउंट वहां पे दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपने भी क्रिएटर मार्केट प्लेस में सब कुछ फिल कर रखी है चीजें। अब क्या होगा, उस कंपनी को आपका अकाउंट दिखा, आपका अकाउंट अगर पसंद आया, तो वो आपको यहाँ पे करेगा पार्टनरशिप ईमेल। अब वो पार्टनरशिप ईमेल आपको कहाँ दिखेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। आप जब डीएम खोलते हो तो अभी आपको तीन चीज दिखती होगी, जनरल, प्राइमरी और चैनल वाला, जो ब्रॉडकास्ट चैनल चलता है वो। अब वहाँ पे चौथी चीज भी एज हो जाएगी, पार्टनरशिप ईमेल। तो उस कंपनी को अगर आपका कंटेंट पसंद आया, आपके साथ ब्रांड प्रमोशन करना है, तो वो आपको पार्टनरशिप ईमेल जो भेजेगा ना, वो आपको वहीं पे दिख जाएगा डीएम वाले सेक्शन में, चौथे नंबर पे। और उसमें वो क्या क्या चीज मेंशन कर देगा, 4-5 चीजें, कि कंपनी का नाम क्या है, उसका ऑफर क्या है, उसको जैसे रील डलवानी है, स्टोरी डलानी है, पोस्ट डलानी है, कपड़े आपको भेजेगा या बार्टर कोलैबोरेशन करेगा, पेड कोलैबोरेशन करेगा, उनका बजट क्या है, सब कुछ बता देगा। अब आपके ऊपर है कि आपको वो प्रमोशन करना है या नहीं करना है। पहले भी ये वाली चीज होती थी, लेकिन कैसे होती थी, एजेंसीज आपके पास आती थी कि आपका कंटेंट अच्छा है, हम आपको ब्रांड दिला देंगे। तो मान लीजिए ब्रांड आपको अगर 10,000 दे रहा है ना, तो एजेंसी आपको 5,000 देती, 5 खुद खा लेती, लेकिन अब आपको कंपनी डायरेक्ट 10,000 देगी, तो आपका भी फायदा है, कंपनी का भी फायदा है, दोनों चीज के फायदे हैं। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बढ़िया कंटेंट बनाना है, टॉपिक और आपको कैटेगरी है उसको एक नीश बना के रखना है। और अभी ये जो फीचर है ना, वो इनवाइट बेस है, जैसे बोनस आया था ना कि कुछ लोगों को बांट दिया था टेस्टिंग के लिए, मेरे दोस्त को यहाँ पे मिल चुका है, तो आपको भी जल्द मिल जाएगा। और अगर आपको चाहिए कि इसका पूरा सेटअप कैसे करना है, आपको अगर ये फीचर मिल चुका है और आप चाहते हो कि सेटअप कैसे करना है, तो मैं अपने दोस्त का अकाउंट लेके पूरी सेटअप की भी वीडियो बना दूंगा कि कैसे क्या सेटअप करना है, वो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, वो भी बता दूंगा। तो क्रिएटर मार्केट प्लेस फीचर मुझे काफी अच्छा लगा है। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। जब भी आपको ये फीचर मिले, जरूर से इसमें एनरोल कीजिएगा, आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि कंटिन्यू रील वगैरह डालिए, प्रॉपर एक नीच में फोटो वगैरह डालिए, इंस्टाग्राम एक्टिव रहिए, क्योंकि अब यूट्यूब के जैसे ब्रांड प्रमोशन यहाँ पे भी आने वाले हैं और अच्छे खासे प्रमोशन आने वाले हैं। एक एक रील के आपको $100, $200 भी मिल सकते हैं, अगर फॉरेन का ब्रांड आया तो। इंडियन ब्रांड भी आया तो 5,000, 10,000, 20,000 तो आराम से मिल जाएंगे, अगर आपके 5-10,000 फॉलोवर है और यहाँ पे अगर आपके 10-20,000 व्यूज आते हैं तो भी अच्छे खासे पैसे मिलने वाले हैं। इसके अलावा कोई डाउट या कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपसे मैं मिलता हूँ जल्द एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।